रामनगरी अयोध्या जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम को भी सजाने की कवायद तेज हो गई। इसी कड़ी में भरत मिलाप मंदिर पर विशाल भंडारा और नंदीग्राम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मणिराम दास छावनी की तरफ से आयोजित महोत्सव में 3 दिनों तक भक्तिमय माहौल में सीताराम संकीर्तन और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार जो महोत्सव हो रहा है उसमें जो पर्यटन मंत्री हैं संस्कृति उनके अंतर्गत जो है वो पर्यटन का क्षेत्र है संस्कृति और उसमें जो है वो उपस्थित होंगे 29 अगस्त को। साथ ही साथ 31 अगस्त को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मेरा मानना है कि अगर विकास करना तो सड़क का जो है एक मार्ग बनना चाहिए। सड़क अगर सुसज्जित रहेगी व्यवस्थित रहेगी तो विकास उस नगर का होगा उस धार्मिक क्षेत्र का होगा। तो इसमें जो है 31 अगस्त को जो PWD मंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो मुख्यमंत्री भी हैं तो उनके द्वारा एक जरूर इसका सूत्रपात होगा कि वह स्थान जो है काफ़ी व्यापक हो जाए विशाल हो और साथ ही साथ सुंदर सौंदर्यकरण हो वहां पर और लोगों का आवागमन हो। अगर सड़क मार्ग ठीक नहीं रहेगा तो अयोध्या आने वाले जो पर्यटक हैं या जो हमारे तीर्थाटन केंद्र तीर्थयात्री हैं वो सुलभता से नहीं पहुँच सकते। इस कारण से वहाँ का सड़क मार्ग जो है वहाँ का कुंड सरोवर है यात्री निवास है ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। शरद शर्मा ने जानकारी के अनुसार बताया कि आगामी 29 अगस्त को भक्तिमय माहौल में नंदीग्राम महोत्सव का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर विकास करना है तो सड़क से शुरू किया जाए क्योंकि वहां से गुजरने में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर सड़क ठीक रहेगी तो विकास उस नगर का होगा उस धार्मिक क्षेत्र का होगा। 21 अगस्त को लेकर उन्होंने कहा कि PWD के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनका भरत मिलाप मंदिर पर विशाल भंडारा और नंदीग्राम महोत्सव आयोजन में पहुंचे। सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सड़क ही ठीक नहीं होगी तो अयोध्या आने जाने वाले जो पर्यटकों को रास्ते में आने वाली समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या को और विकसित किया जाए। 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग अगर प्रशस्त हो रहा है चारों तरफ सड़क सुव्यवस्थित हो रही है तो अयोध्या से नंदीग्राम को जाने वाली सड़क का भी निर्माण किया जाए।